हेलो फ्रेंड्स, जय बालाजी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। काश मेरे के दिन में आपका स्वागत है। सो आज की रेसिपी है अचार। तो देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया है अचार। चलिए फ्रेंड्स तो स्टार्ट करते हैं आम का अचार बनाना। इसके लिए पहले हमें 1 किलो कैरी लेनी है, राजापुरी कैरी। आगे के वीडियो में जो मैंने छुंदा बनाया था उसमें जो यूज़ की थी राजापुरी कैरी, वही मैंने ली है 1 किलो। और मार्केट में ही जहाँ से मैंने कैरी लिए वहीं से मैंने कट करवाई है, तो ऐसे आप करवा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, भी घर पे आके गुटली वगैरह थोड़ा बहुत रहता है वो मैंने क्लीन कर लिया है। अभी हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे, फिर इसमें नमक और हल्दी ऐड करेंगे। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ओके, मैंने राजापुरी कैरी को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें वॉश करके बाद में मैंने पानी सब निकाल दिया है अच्छे से। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने सेंधा नमक ऐड किया है, आप नॉर्मल नमक भी ऐड कर सकते हो। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसे हम 8-10 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे, फिर आगे की प्रोसेस में आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिक्स हो गया है, अभी हम इसे ढक के 8-10 घंटे के लिए रख देंगे। मेरे हाथ में मोबाइल है, नहीं तो हम ऐसे ऐसे करके रखना है इसे। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ वापस। अभी हम इसे ढक के रख देंगे फ्रेंड्स, मिलते हैं 8-10 घंटे के बाद। चलिए फ्रेंड्स, 10-12 घंटे हो गए हैं, अब हम इसे सुखा देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमें इसे सुखाना है, लेकिन पहले इसमें थोड़ा सा पानी होगा वो हमें निकाल देना है। बाद में इसे कॉटन के कपड़े पे सुखाना है, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मिक्स करना है, बाद में हमें पानी निकालना है। ऐसे एक छोटी सी थाली लेके, मतलब जो आपका पतीली का माप हो वैसे माप की थाली लेके इसे ऐसे करके पानी सब हमें निकाल लेना है। धूप में नहीं सुखाना है इसे, नॉर्मल हवा में ही सुखाना है। मैं आपको दिखाती हूँ, नॉर्मल पवन में सुखाना है हमें। आपके यहाँ पे बालकनी हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप घर में भी सुखा सकते हो इसे। ऐसे कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लीजिए आप। एकदम हल्की धूप हो तो चलता है, लेकिन ज़्यादा धूप लगनी नहीं चाहिए हमें। ऐसे रखते जाना है। अब देखिए, ज़्यादा धूप यहाँ पे नहीं आ रही है, ज़्यादा का थोड़ी सी धूप भी नहीं है, तो ऐसे में हम यहाँ पे रख सकते हैं। धूप में बिल्कुल नहीं सुखाएगा, वो आपको खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स। हल्की हल्की ये ऐसी धूप है, एकदम हल्की हल्की वैसे चलती है, लेकिन ज़्यादा धूप में कभी भी मत रखिएगा, नहीं तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। हाँ, आप छुंदा अचार रख सकते हो ज़्यादा धूप में। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें मसाला कैसे रेडी करना है अचार का। यहाँ पे मैंने 1 किलो राजापुरी कैरी ली है फ्रेंड्स। वैसे तो लाडवा कैरी भी आप ले सकते हो, अगर ज़्यादा खट्टा नहीं चाहिए तो आप तोतापुरी भी ले सकते हो, लेकिन लाडवा कैरी से आपका अचार बहुत ही टेस्टी बनता है, वो मैंने आपको आगे भी बोला था जब भी मैंने छुंदा कैरी का अचार बनाया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। आप देख सकते हो कैसे मैंने इसे कैरी को सुखाया है, देखिए आप। देखिए फ्रेंड्स, 1 किलो कैरी मैंने बाहर से कटवाई थी, जहाँ से ली थी उसका मैं नमक और हल्दी डाल के 12 घंटे तक रखा। अभी देखिए, मैंने नॉर्मल क्लाइमेट में इसे सुखाया है, धूप ही नहीं है यहाँ पे,
इसे धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है, वो आप खास ध्यान रखिएगा। ओके चलिए फ्रेंड्स, अभी बाद में हम मिलते हैं वापस आगे की प्रोसेस करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, 2 घंटा हो गया है, अभी हम कैरी को पलट देंगे ऐसे, इसमें जो मॉइस्चर भी रहेगा वो भी निकल जाएगा। ऐसे सब कैरी को हमें पलट देना है। अभी हम चल रहे हैं कैरी का मसाला बनाने की तैयारी करते हैं, तब तक हमारी ये कैरी भी सूख जाएगी, मतलब मॉइस्चर जो भी हो निकल जाएगा उसमें से। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं मसाला बनाने के लिए खट्टी कैरी के अचार का। चलिए फ्रेंड्स, हम मसाला बनाएंगे खट्टे अचार का। इसके लिए पहले हम इसमें ऐसे 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, देखिए 2 चम्मच और थोड़ा ऊपर ऐड करेंगे, आपको मैं दिखाती हूँ। थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, करीब 2.5 चम्मच मैं ऑयल ऐड करूँगी। ये मैंने सिंक तेल लिया है, आपको कोई भी तेल लेना हो ले सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अभी हम गैस ऑन करेंगे, तेल में से धुआं निकले इतना हमें गर्म करना है, और इतना गर्म तेल हमें ऐड नहीं करना है मसाले में, 5 मिनट के बाद ही हमें ऐड करना है। मैं आपको दिखाती हूँ आगे की प्रोसेस। स्लो फ्लेम पे हमें ऑयल रखा है गर्म करने के लिए, तो पास में हम नमक को रोस्ट कर लेते हैं, मतलब सेक लेते हैं नमक को, और नमक मैंने उसमें पहले ही ऐड कर दिया है कैरी में, तो थोड़ा नमक ही हमें रोस्ट करना है। जितना हमारा मसाला बनेगा उतना हम रोस्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया है नमक। अभी हमें स्लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, थोड़ा सा ही मॉइस्चर इसमें से निकल जाए, उतना ही, ज़्यादा नहीं करना है। नमक रोस्ट करने से हमारा अचार बिगड़ता नहीं है, ये भी एक टिप्स है। मैंने यहाँ पे सेंधा नमक ऐड किया है, आप नॉर्मल नमक भी ऐड कर सकते हो। हो गया है हमारा नमक, गैस ऑफ कर देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, धुआं भी निकल रहा है, अभी इसी स्टेज पे हम हींग ऐड करेंगे। हींग मैंने 1/2 चम्मच ली है, देखिए अभी गैस ऑफ कर देंगे हम, और 5-7 मिनट के लिए नॉर्मल ठंडा होने देंगे। एकदम हमें गरम ऑयल ऐड नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, नहीं तो राई के कुरिये जो बोलते हैं वो जल जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, ठीक है। मैं आगे आपको दिखाती हूँ, गैस ऑफ कर देंगे हम। अभी हम राई कुरिया ऐड करेंगे, पहले इसकी लेयर बनानी है हमें, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। इसे राई कुरिया बोलते हैं। अभी हम मेथी कुरिया ऐड करेंगे। राई कुरिया मैंने यहाँ पे 200 ग्राम लिया है, और मेथी कुरिया 100 ग्राम लेंगे हम, क्योंकि मेथी कड़वी रहती है इसलिए हमें इसे 100 ग्राम लेना है। 1 किलो अचार है मेरा, 1 किलो कैरी ली है मैंने, 200 ग्राम मैंने राई कुरिया लिया है, और 100 ग्राम मेथी कुरिया। ऐसे हमें लेयर बनानी है, ये राई कुरिया है, ये मेथी कुरिया है। अभी हम इसमें हींग ऐड करेंगे। यहाँ पे हींग मैंने 1 चम्मच जैसे लिया है। अभी हम ऑयल ऐड करेंगे, मैंने आपको बोला था कि ऑयल 5 मिनट के बाद हमें ऐड करना है। इसमें बहुत गर्म ऑयल नहीं चाहिए, नहीं तो काला पड़ जाता है राई कुरिया। अभी हम इसे ढक देंगे, हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, जो मैंने रोस्ट किया था नमक। थोड़ा ऑयल हम हींग के ऊपर ऐड करेंगे। अभी हम इसे ढक के रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। चलिए फ्रेंड्स, 3 घंटा हो गया है, धूप हो यहाँ पे लाइट तो 1 घंटा रखिए, अगर धूप नहीं हो तो 3 घंटा। अभी थोड़ी देर हम फैन के नीचे रख देंगे,
सीटियाँ चढ़ गई है, देखिए फ्रेंड्स। सिर्फ थोड़ी देर अभी रखेंगे, आधे घंटे के लिए, बाद में हम अचार बनाने की प्रोसेस आगे करते हैं। सिंपल ट्रिक है, कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड्स। आधा घंटा हो गया है, अभी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कभी भी एकदम से गरम ऑयल मत ऐड कीजिएगा, 5-7 मिनट के बाद ही ऐड करना है हमें। और मेथी कुरिया हमेशा कम डालना है, नहीं तो हमारे अचार में कड़वास लग जाएगी। अभी हम लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप कम तीखा खाते हो तो कम ऐड कीजिए, हम लोग ज़्यादा खाते हैं इसीलिए। अगर आपको थोड़ा मीठा खाना हो तो इसमें आप थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दीजिए। अगर आपको मीठा खाना हो तो आप 250 ग्राम जितना गुड़ ऐड कर सकते हो इतने मसाले में। हम कैरी जो सुखाई थी अब हम इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। इसमें हमारी कैरी अच्छे से मिक्स नहीं होगी, इसके लिए हमें बड़ा सा पतीला लेना चाहिए। उसमें हम इसे पहले क्लीन करिए, बाद में हम ये सब इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि थाली में सब मिक्स नहीं होगा अच्छे से। इजी ट्रिक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार फ्रेंड्स। 1 साल तक की कुछ नहीं होगा, आराम से आप खा सकते हो खट्टे अचार को। और आगे भी मैं और प्रोसेस है वो आपको दिखाऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑयल गरम करना है आपको। 2-3 कटोरी ऑयल गरम करके, कम से कम 3 कटोरी ऑयल गरम करके आपको 3-4 घंटा ठंडा होने देना है बराबर से ऑयल। बाद में हम आगे की प्रोसेस में आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। जब हम ग्लास के कंटेनर में इसे ऐड करेंगे, भरेंगे अचार को, तभी का प्रोसेस मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल हमें ऐसे ही रखना है और ऑयल गरम करना है। ज़्यादा ऑयल पहले गरम कर लीजिएगा, फिर ऑयल बच जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, मुंह में पानी आ गया ना, मुझे तो आ गया है भाई। चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ी देर के लिए इसे ढक के रख देते हैं, तब तक हम ऑयल गरम करते हैं। 3 कटोरी हमें ऑयल गरम करना है, फिर ऑयल समझो ज़्यादा होगा तो आप रख देना साइड से। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गरम किया तो ज़्यादा ही ऐड करना है हमें। हमें ग्लास के कंटेनर में इसे अचार को भरना है, मतलब ऐड करना है, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि कितना ऑयल चाहिए, क्योंकि अचार से ज़्यादा ऑयल चाहिए हमें। इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी आगे की प्रोसेस, ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिएगा आगे तक। अब हम इसे ढक के रख देते हैं। अभी हम ये ऑयल गरम कर रहे हैं, वो ऑयल हमें एकदम ठंडा करना है, जितना धुआं निकले उतना पहले गरम करना है अच्छे से, फिर एकदम से ठंडा हो जाए, बाद में जो प्रोसेस होगी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। करीब 3 कटोरी हमें ऑयल चाहिए, खट्टा अचार है तो इसमें ऑयल हमें ज़्यादा चाहिए, वो मैं आपको आगे प्रोसेस दिखाने वाली हूँ। इसको पहले एकदम से हमें गरम करना है ऑयल को, जितना धुआं निकलेगा उतना अच्छा है, एकदम प्रॉपर गरम हो जाए, बाद में इसे जितना गरम हम करेंगे उतना ही हमें ठंडा करना है, ओके फ्रेंड्स। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी, पहले हम इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं। करीब 3 कटोरी ऑयल गरम करना है हमें, ज़्यादा हो जाएगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगर ज़्यादा ऑयल हो जाएगा तो ऑयल हम वापस से रख सकते हैं, लेकिन हमें ऑयल पहले से ज़्यादा गरम कर देना है। अभी इसे गरम करने रख देंगे अच्छे से, फुल फ्लेम पे करना होता, फुल फ्लेम पे कर सकते हो, मैं स्लो फ्लेम पे करूँगी तो हमारा दूसरा काम भी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे धुआं निकलना चाहिए, यही स्टेज पर हमें गैस ऑफ कर देना है। अभी एकदम से ठंडा हो जाएगा तभी हमें अचार में ऑयल ऐड करना है, ठीक है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। हमारा एकदम ही ठंडा है, जैसे ऑयल हमने गरम किया था
वैसे ही ऑयल हमारा एकदम ही ठंडा है और हमें ठंडा ऑयल ही खट्टे अचार में ऐड करना है। वो आप खास ध्यान रखिएगा, लास्ट में जो ऑयल हम अचार में ऐड करेंगे वो एकदम ही ठंडा होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम अचार में ऑयल ऐड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा अचार रेडी है और ऑयल ठंडा हो गया है, तो हम अभी मतलब कांच के कंटेनर में, कांच की बोतल में हम अचार डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले ग्लास जार में सब अचार ऐड कर देंगे और ऊपर से हमें तेल ऐड करना है। सिंपल डिश से बना है, आप ज़रूर बनाइएगा। इसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है हमने। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो खट्टे अचार की, तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा ये स्टाइल से। और धूप वाले अचार की मतलब छुंदा बनाया था, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। अभी हम इसमें ठंडा किया हुआ ऑयल ऐड करेंगे। जैसे हम चाशनी बनाते हैं वैसे शक्कर डूबने तक पानी ऐड करते हैं, वैसे ही हमें अचार डूबने तक ऑयल ऐड करना है। मतलब अचार के ऊपर ऑयल आना चाहिए, इतना चाहिए, इससे हमारा अचार बिगड़ता नहीं है। मैंने 3 कटोरी ऑयल ली थी और 1 किलो आम, तो आप देख सकते हो 3 कटोरी ऑयल इसमें चला गया, मतलब चाहिए हमें 3 कटोरी ऑयल। देखिए फ्रेंड्स, इससे ऑयल हमारा आना चाहिए, इससे हमारा अचार बिगड़ता नहीं है। और एकदम ठंडा ऑयल ऐड करना है, वो आपको मालूम ही है, मैंने बोला है आपको। ये देखिए, अभी 4 दिन के बाद ये खाने लायक होगा और टेस्ट में भी मालूम पड़ेगा आपको कैसा है। ये स्टाइल से एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये अचार आप पराठे के साथ, थेपले के साथ, पूरी के साथ, दाल राइस के साथ खा सकते हो, एकदम ही टेस्टी लगता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने पे। अगर कुछ आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। जो नए आए हो मेरे चैनल पे उनको थैंक यू फ्रेंड्स, जो ऑलरेडी हैं मेरे चैनल पे उनको भी थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।